सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आपने मेरा लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा एंड ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है। सो जोर से बोलो जय माता दी। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। वही सवेरा ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए उधमपुर के स्टेशन पर। घूम लो भाई, घूम लो, घूम लो, घूम लो, घूम लो, घूम लो, बहुत चीज है घूमने की यहाँ पे। बेसिकली हम लोगों ने सोचा था कि उधमपुर में भी बहुत चीज़ होंगी घूमने के लिए। हमने सोचा था हम लोग वहाँ से अखरोट या और शॉपिंग कर लेंगे, कुछ नहीं था वहाँ पे। खोल कर रेडी लगा ला, कुछ भी नहीं ऐसा कोई आपको। फिर उसके बाद मैं, प्रीति, अमन, वंश, हम सब लोग उधमपुर के स्टेशन की तरफ गए। ये उधमपुर का स्टेशन है बेसिकली। पहले यहीं पे ट्रेन सबसे पहले रुकती थी जम्मू के लिए, मतलब बेसिकली कटरा के लिए। फिर हम लोग गए अंदर, अंदर की तरफ आप व्यू देख सकते हो। फिर हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये मेरी बहन प्रीति आ रही है एंड अब हम सब लोग चले पानी भरने के लिए। सो चलो। घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, के तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भाई जगह का नाम है उधमपुर और हम हैं हरियाणा से, तो हम उधम बजाएंगे।
मेरी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। मोहब्बत वालों ने हमारे यार सोशल डिस्टेंसिंग करो भाई, पैर वहां तक पूछना चाहिए नेक्स्ट डब्बे तक, ये क्या बीच में रखना, आगे कर ऐसे करके नहीं आओगे कि घर कब आओगे, घर वाले आओगे सुना आते पाते इतनी आती So finally, अब हम लोगों ने पानी भर लिया, बहुत मस्ती कर ली, अब हम सब चले वापस क्योंकि पापा दादी सब लोग बाहर बैठे थे स्टेशन के, एंड स्टेशन बहुत ज्यादा साफ सुथरा था, बेसिकली बहुत क्लीन था भाई स्टेशन, बहुत साफ सुथरा था, एंड ये हिमालय क्वीन जा रही है। एंड फिर हम लोग चले कि चलो चलते हैं अब अंदर की तरफ, सो वहां पे हम लोगों ने देखा कि किसी चीज का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो सेलिब्रेशन के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि चलो वहाँ पे हर घर तिरंगा, वो 15 इंडिपेंडेंस डे वाला दिन था, सो वहाँ पे देखो वो जो भी हमारे वीर जवान हैं उनके बारे में एंड सब रिपोर्ट्स वहाँ पे लगी हुई थी, एंड हम लोगों ने वहाँ पे वो सब चीज़ें देखी एंड बहुत अच्छा फील हुआ बेसिकली उस सब चीज़ों को देख के। एंड वहाँ पे कोई लोग शूट भी करा रहे थे कि बेसिकली अपने तिरंगा के बारे में कुछ बोल रहे थे, बाजी थे वहाँ पे जो बोल रहे थे, फिर हम सब लोगों ने तिरंगा के साथ बैनर के साथ फोटोज लिए एंड एंजॉय किया बहुत सारा। देशभक्तों इतनी देशभक्ति आ गई कि पानी की बोतलें भूल गए। पानी की बोतलें यहीं छोड़ दी। उधमपुर स्टेशन। जैसा कि सब जानते ही हैं तो हर स्टेशन पे देशभक्ति के रिलेटेड, देश से रिलेटेड झंडे लहराए जाते हैं कोई भी इवेंट हो, तो वहां पर भी एक इवेंट हो रहा था, सो फिर हम लोग भी उनके बीच में जाके ऐसे ही मिल गए कि चलो भाई हम लोग भी आपके साथ फोटोज़ क्लिक कराएंगे, तो उन्होंने हमें एक झंडा दिया था, हम लोगों ने उनके साथ फोटोज़ क्लिक कराए एंड देन फिर हमने झंडा लहराया एंड इंजॉय किया। एंड बेसिकली उधमपुर के स्टेशन पे हमें बहुत अच्छा लगा था, बेसिकली इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन एंड बहुत अच्छी उधर की वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। जय हो जय हो, बोलो वंदे मातरम, जय हिंद। कितना मजे करते हैं हम तो मैं दो बोतलें लेके आया पानी भर के क्या एंजॉय करते हैं देखो इनको एंजॉय अलग हो जहाँ जाओ वहीं जाकर फसर जा बस। आज हम देशवासी बनकर मुर्जा स्टेशन पे बैठे हैं हम लोग,
वो भी प्लेटफॉर्म नहीं, अमीरों की तरह देखो कितने अच्छे से बैठे हैं। माउंटेन ड्यू चल रही है यहाँ पे। रिक्स उठान नाम बना कैसे कर दी देखो, रिक्स उठान नाम बना नहीं डर के आगे जीता है। हम लोग अब नीचे आ गए, पहले हम ऊपर पुल पे बैठे थे तो वो जी बोले कि नीचे बैठो, तो हम लोग नीचे आ गए। देखो हम पहले वहाँ उस लोकेशन में बैठे जहाँ वो दो बंदे जा रहे हैं, यहाँ पे बैठे थे हम लोग, अब हम यहाँ। ओए काका, काका कहाँ है ट्रेन में? अबे हम लोग आज घूम रहे हैं उधमपुर के रेलवे स्टेशन पे। उधमपुर में हमने उधम उतार रखा, उधम मतलब कि हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, हमको ना बहुत अच्छे लगे। ऋतिक आप कनाडा से आए हो? हाँ मेरा भी, मेरा पायलट गया इधर से। पायलट? अच्छा तेरा, अच्छा इमरजेंसी लैंडिंग इसी ने कराई थी क्या? हाँ ये था जिसने मैं बिहार गया था। वो कहता कि देखना कहीं पुलिस थाने में ना लगा दो गड्डी। अब प्रीति तो पीछे, प्रीति तो पीछे नो कर, प्रीति 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 जो पीछे, हाँ रोक दे रोक दे। ये प्रकृति भाई, ये प्रकृति का कौन सा नियम है कि लाइन तक बैठ कर पोटी करने का? बस क्या करें, निकल जाता है, निकल जाता है। अरे अरे रंग के क्यों भैया, आप उधर बैठो, इधर पछवाड़ा कर लो, पछवाड़ा इंग्लिश में। ओए हम नानी पायलट के लो फोटो खिंचवाई, पायलट के लो फोटो खिंचवाई, माना पायलट के लो। आ गए तुम, दादी ने दिमाग खा लिया था। अरे बैग तुम्हारा है, देखियो एक बार सर। नो तो गाइस चेक कर लो, आपका तो नहीं हो किसी का। गाइस देखे लापता बैग मिला हमें उधमपुर के, उस पर लगता है कोई भी मिलेगी, लगता है कोई कोई ज्यादा ही उधम मचा के गए। और टीटी ने उसका बैग फेंक के मारा, कोई ट्रेन में ना ज्यादा उधम मचा रहा था तो टीटी ने उसका बैग फेंक के मारा बाहर। देखो हम वीडियो बनाने के लिए ना ट्रेन में चढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट सम कंटेंट। पूरी ट्रेन हमने बुक कर ली है। अंजलि मुझे मत छोड़ के जा, अंजलि दफाओ। फिर हम सब लोगों को स्टेशन पे कोई भी पुलिस वाला दिखता था, कोई भी दिखता था ना, तो हम लोग उनके साथ फोटो शूट कराना शुरू कर देते थे। जो भी दिखे चलो भाई शुरू हो जाओ फोटो शूट कराने के लिए। पकड़े गए ये सब, ये लड़ रहे थे। इसने जितने पेड़ है यहाँ सारे ऊपर पड़ के सारी फोटो खिंचवा लिए। एक काम करे काट के ले जा तू पेड़। गाइस हम ना सलाह बना रहे हैं कौन सी वीडियो बनाएं। हम लोगों ने एक वीडियो का रिहर्सल किया था, वो रिहर्सल बहुत फनी था देखो। दादी जी ट्रेन फास्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी जी, जी फास्ट हो जी, फास्ट हो जी, फास्ट हो जाएगी। जीप गाड़ी नहीं है, मतलब कोई ट्रेन ही नहीं है, तब कैसे चलेगी, कैसे चलेगी? ए आए आए चले जाना,
अयुब कह दे मेट्रो आ गई लिफ्ट बंद होने वाले दोनों ने बिल्कुल नहीं शर्म करते हैं उधमपुर में उधम उतार रखा बिल्कुल ही ऋतिक तो लिफ्ट मांगा था वो तो उल्टी चली गई लिफ्ट के चक्कर में सिमरन 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 मत जा सिमरन 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 कहाँ जा रही हो अनिता तब तुम ऐसे कैसे क्यों चलती थी सिमरन सिमरन मिल गई जेल का है तो ये दादी की वजह से दादी ने थर जेल करवाई है हम दादी ने बहुत तंग कर रहे थे शीशा फोड़ दिया था रेल का खोल खोल दे खोल दे हेलो गाइस हाउ आर यू ऋतिका कैसी है इमेजिनेशन रख ले इसमें बैग रख ले इसमें आ जा सकता अंदर एसी चल रहा पूरा आ जा अंदर एसी चल रहा आ जा अंजलि अब भाग गया था किसकी है अंजलि भाग जाया था मैं सारों की लाडली हूं ए एसी चल रहा है कौन बना बुला लो सारे बैग तो कैसे ले लेते हो बैग तो उठा लो चलो थम सारे ने बहुत तंग कर चलो थम जेल के अंदर चलो चल चल थमने तंग कर दिया मैं सारे रास्ते चल अंदर चल चल अंदर चल तो भी अंदर चल अंदर हाँ ना तंग कर दिया कहाँ लिख रहा बताओ मेरा गुनाह क्या था उधमपुर में उधम उतारा तुमने नहीं मैंने कोई उधम नहीं उतारा हमारे पास वीडियो का क्लिप है क्लिप उन्हें बालों में ला ले फिर क्लिप ना वीडियो हमारे पास वीडियो हाँ मुझे नहीं पता मुझे छुटाओ नहीं तुम नहीं छुटाओगे फोटो नहीं खींचोगे तेरी रवा कहते हैं भाई कोई नहीं छूट जाएगा चढ़ा देंगे तना पहुंचा अपनी ले ली चढ़ा देंगे तना बार चलो गाइस चलते हैं उधमपुर पे उधम तारने चल रहे हैं फोटो लेने वो भी बोर्ड के ऊपर चलो पांच वाला नान में